मिनटों स्किंटों में जो होता है काम हो जाता है, ठीक है। डिग्री भी होती है, सारा कुछ होता है, ऊपर नीचे भी होता है। ये साइड को कोरिया की इंपोर्ट है, बिल्कुल नया फ्रेश पीस है, डब्बा पैक पीस है। मतलब 35-40 हज़ार वाली यहाँ से 2-3 हज़ार में मिल जाती है। 3,000-35,000 लकड़ियाँ काटने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं लकड़ियाँ, देखें। अच्छा, डिग्री भी हो जाता है, डिग्री कटर स्लाइड्स वाला। लेंटर वगैरह तोड़ना हो, सड़कें तोड़नी हो, ठीक है, दीवारें तोड़नी हो, बीम तोड़ने हो, उसके लिए इस्तेमाल होता है। जदीद चीज़ें पहले हाथ से और एक बार करते थे, रंधा इस्तेमाल करते थे, अभी है कि इलेक्ट्रिक रंधा है। दोनों में क्या फर्क है जी, लोकल और दूसरी में? क्वालिटी का फर्क आ जाता है, 100% कॉपर में होती है, ठीक है। इसकी लाइफ जो होती है, इसकी निस्बत जो होती है 100% ज्यादा होती है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कंटेनर मार्केट दरोगेवाला लाहौर। आज मैं आपको मुख्तलिफ नाज़रीन मुख्तलिफ कंट्रीज की लार्ड्स दिखाऊंगा, टूल्स की, ड्रिल मशीन की, ग्राइंडर की और फूड के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा। मेरे साथ ऑनर मौजूद है अंसर भाई, उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? कैसे हैं? खैरियत से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, मुझे थोड़ी सी मार्केट की तारीख के बारे में बताएं कि हर बंदा इस मार्केट में क्यों आना चाहता है। सर इसके बारे में आपको थोड़ा सा तफसील से बताता हूँ। जितने भी पंजाब से लेके पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में जितने भी लोग जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जो इम्पोर्टेड यूज टूल्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जर्मनी से, यूरोप से, कोरिया से, हांगकॉन्ग से, मुख्तलिफ कंट्री से जो है कंटेनर्स आते हैं। वहाँ पे लोग जो है अपनी ज़रूरत की चीज़ें फिर लेने के लिए यहाँ पे तशरीफ लाते हैं, ठीक है। डिस्काउंट कितना मिलता है आम मार्केट की नस्बत, यहाँ कितने परसेंट सस्ता मिलता है? सर अगर मैं आपको डिस्काउंट की बात करूँ तो जो ये टूल्स होते हैं, जापानी टूल्स, कोरियन टूल्स, जर्मनी के टूल्स होते हैं, जो अगर हम आम कस्टमर जो हमारा पाकिस्तानी है उसको नया ब्रांडेड जो खरीद नहीं सकता। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर ये छोटी सी ग्राइंडर की बात करूं तो ये 3,000-3,500-4,000 में भी कस्टमर को मिल रही है, लेकिन अगर ये डब्बा पैक कीमत उसकी नेट पे मौजूद है 35,000-40,000-50,000 तक अवेलेबल है। मतलब 35-40 हज़ार वाली यहाँ से 2-3 हज़ार में मिल जाती है? 3,000-3,500-4,000 मुख्तलिफ वैरायटी कीमत में मिल जाती है। मैं कहता हूँ शुरू करें, ज़रा मुझे दिखाएं जी आपके पास क्या क्या स्पेशल है जो दुनिया खरीदने के लिए तरसती है। सर इसमें मेरे पास ये क्यांग कंपनी की ग्राइंडर है, ठीक अच्छा है जी, ये कोरिया की कोरिया से इंपोर्ट होके आती है, हाई स्पीड ग्राइंडर है। जितने भी मार्बल कटिंग वाले हैं, जो मिस्त्री वगैरह जो है, मजदूर तबका जितने भी लोग हैं, वो ये ग्राइंडर को ये इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसकी स्पीड ज़रा थोड़ी सी हैवी होती है, आरपीएम ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से कटाई बड़ी अच्छी करती है। अच्छा, जितने भी मिस्त्री और मार्बल कटिंग वाले हैं, इसको ग्राइंडर को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अगर इसकी मैं लाइफ की बात करूँ, कितने साल चल जाती है वैसे ये? सर कस्टमर्स ये हमें आगे इसका रिस्पॉन्स देते हैं कि ये 2 साल हो गए, किसी को 3 साल हो गए, किसी को 4 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए हैं, मतलब काफ़ी अर्से से लॉन्ग टर्म लोग इस्तेमाल करते रहते हैं। हल्का फुल्का कार्बन का इशूज़ आता है, वो नहीं डाल दें, बस मसला हल हो जाता है। तो ये कितने की मुझे मिलेगी? ये जो जो है 3,000 रुपये में अवेलेबल है। 3,000 में अवेलेबल है। अच्छा, इसके अलावा और मुझे कौन सी दिखाएंगे? इसके अलावा ये बुश कंपनी की मेरे पास पड़ी हुई है। अच्छा जी, ये जर्मनी की कंपनी की है, ठीक है, ये भी 4 इंच की ग्राइंडर है। हाँ। बुश कंपनी जो है, इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि इसका A to Z सारा स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल होता है मार्केट में। घुमा के दिखा दिया करें जरा सारा। अच्छा, ठीक है, इसका अगर हेड से लेके, कवर से लेके, ठीक है, किसी भी आर्मेचर से लेके कोई भी चीज़ अगर ख़राब होती है, आपकी वेस्ट नहीं होती, मतलब आपका 200-400 रुपया लगता है, दोबारा रिपेयरेबल होती है, और अच्छे तरीके से कस्टमर जो है यूज़ करे तो लॉन्ग टर्म इसको यूज़ करता रहता है। अच्छा जी, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास DCA कंपनी की भी अवेलेबल है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेड है, ये भी इसका आर्मेचर भी थोड़ा हैवी होता है, ठीक है, इसे हैवी काम भी थोड़ा सा कर सकती है, 4 इंच की ग्राइंडर है। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास मकीटा कंपनी की भी अवेलेबल है, ये जापान से इम्पोर्ट है, ठीक है, मकीटा कंपनी की है, हैवी ड्यूटी होती है ये, ठीक है, अगर कस्टमर भी कहता है कि थोड़ी सी हैवी ड्यूटी मुझे चाहिए, लॉन्ग टर्म मैंने सारा दिन काम करना होता है, तो ये ज़्यादा हीटअप नहीं होती। और करंट वगैरह कितना की लेती है? सर इसके ऊपर सारे एम्पेयर्स वगैरह लिखे हुए हैं, ये 700 वाट है इसके, ठीक है, 3 एम्पेयर लेती है, ये बहुत ही कम करंट लेती है, तो बहुत ज़्यादा मतलब हैवी करंट नहीं इसमें इस्तेमाल होता। अच्छा, तो ये कितने की है? ये कस्टमर को जो है 4,000 रुपये की मिलेगी, मकीटा कंपनी की जो जापानी ग्राइंडर है। ओके, थोड़ी सी प्राइस की ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी लाइफ जो होती है उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर। आप गारंटी वारंटी को देते हैं? जेन्युइन की वारंटी होती है, कॉपर की वारंटी होती है, बाकी हम चलाते हैं, चला के चेक करवाते हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं, जिस उसके अलावा भी खुदा ना खासा अगर इश्यू होता है तो उसका वो भी हम मसला हल कर देते हैं, एक आध दिन में अगर वो कंप्लेन आती है। ओके, अच्छा, इसके अलावा? इसके अलावा सर हमारे पास ड्रिल मशीन अवेलेबल हैं जी, ठीक है, इसमें मेरे पास जो सबसे ज़्यादा हमारी बिकती है बुश कंपनी की है। अच्छा, ठीक है, जर्मनी की कंपनी है बुश, ये देखें बोझ हुआ हुआ है, ये आधी की ड्रिल है, ठीक है, आधा इंच तक इसको या वर्मा लगा सकते हैं आपको, लेफ्ट राइट भी इसमें अंदर होता है, ठीक है, एलुमिनियम वाले भी इस लोग इस्तेमाल करते हैं, घर में जो आम रूटीन में जो यूज़ होती हैं, किसी ने कोई पर्दे लगाने हैं, कोई छोटा मोटा सुराख करना है, तो लकड़ी लोहे में सुराख करना है, टू फंक्शन होती हैं, इसमें ड्रिल भी होती है, हैमर भी होता है, दीवार में अगर इस्तेमाल करना हो तो हैमर का इस्तेमाल करते हैं,
और ड्रिल में लकड़ी लोहे में ड्रिल का इस्तेमाल है। टू फंक्शंस है, लेफ्ट राइट इसमें दोनों साइडें चलती हैं, ठीक है, दोनों साइड में काम करती है। अच्छा, नए की नस्बत तो फिर मैं ये कह सकता हूँ 70-80% ये डिस्काउंट पे मिलती हैं ये। सर नए की नस्बत जो है अगर इसकी नई कीमत अगर जो हो कम से कम 40-50 हज़ार रुपये है। अच्छा ठीक है, अगर जर्मनी की जो इंपोर्टेड नेट पे जो अवेलेबल है, अगर कस्टमर चेक करना चाहे ऑनलाइन इसकी बुश की कीमत चेक कर सकता है ड्रिल मशीन की आधी इंच की। अच्छा, तो वो अवेलेबल होती है अगर ये प्राइस है, लेकिन यहाँ पे कस्टमर को बहुत ही मुनासिब कीमत में 3500-4000 रुपये में जो है अवेलेबल होती है जो ड्रिल है बुश कंपनी की। अच्छा जी, और बताएं मुझे। इसके अलावा जो है इसमें मकीटा मॉडल दूसरी जबानी में, ये भी एक मॉडल में पड़ी हुई है। ओके, ये भी बुश कंपनी की है, लॉन्ग कोर है, ठीक है, हाई स्पीड होती है, ये भी बुश कंपनी की, जर्मनी की इम्पोर्ट है, ये भी मकीटा कंपनी की है, ये आगे बटन वाली है, ठीक है, मल्टीपल वराइटीज हमारे पास मौजूद होती है। ओके, ये भी मकीटा की पड़ी हुई है, क्या कंपनी की साइड बटन में पड़ी हुई है, ठीक है, ये वेरिएबल स्पीड के साथ मेरे पास अवेलेबल है। जो कस्टमर कहते हैं कि वेरिएबल स्पीड भी हो इसकी, बैक साइड पे अगर आपको दिखा दूँ तो वेरिएबल स्पीड भी लगा हुआ, स्पीड कम ज़्यादा भी हो जाता है। अच्छा, ठीक है, जो गाड़ियों का काम करते हैं पॉलिशर वगैरह के तौर पर जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये भी हमारे पास अवेलेबल होती हैं। ये भी ओरिजिनल बुश कंपनी की है, जर्मनी कंपनी की है, क्या कंपनी की है, बाकी कंपनी की भी अवेलेबल है मेरे पास। ओके, अच्छा, इसके अलावा मतापो कंपनी की पड़ी हुई है, डीसीए कंपनी की पड़ी हुई है, 3M कंपनी की पड़ी हुई है। ड्रिल के अलावा और क्या क्या चीज़ें आपके पास, उनकी तरफ पढ़ते हैं सर? ड्रिल के अलावा मेरे पास जो है हिल्टी मशीन भी अवेलेबल है। अच्छा, ये क्या पड़ी है ये नीचे? ये सर रूटर है, अच्छा, ग्लासी रूटर इनको बोलते हैं। ये सर मकीटा कंपनी का, ठीक है, ये भी मकीटा कंपनी के मेरे पास अवेलेबल है, टाची कंपनी के अवेलेबल है। ये लकड़ी के ऊपर डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा जी, जो वुड का काम करते हैं लोग वो उसको इस्तेमाल करते हैं डिजाइनिंग डालने के लिए, इसके आगे बिट्स लगती हैं, ठीक है। ये जो है 4,000-4,500 रुपये में अवेलेबल है ये जी। ये सर हिटाची कंपनी का हैमर है थोड़ा, इसको अगर लेंटर वगैरह तोड़ना हो, सड़कें तोड़नी हो, ठीक है, दीवारें तोड़नी हो, बीम तोड़ने हो, उसके लिए इस्तेमाल होता है। ओके, इसके आगे सुंबा लगता है, ठीक है, तो ये इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा ये साथ में गेज मशीन पड़ी हुई, रंधा मशीन इसे कहते हैं, ये रूबी कंपनी की जापानी गेज है। अच्छा जी, ठीक है, ये भी जो है तरखान जो है ये इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर से गुजारते हैं उसको प्लेन करने के लिए, प्लेनर के तौर पर इसको प्लेन। जदीद चीज़ है ये भी, जदीद चीज़ है, पहले हाथ से और एक बार करते थे रंधा इस्तेमाल करते थे, अब ये है कि इलेक्ट्रिक रंधा है, ऐसे लंबी लेंथे जो होती है ना इसके अंदर से गुजार के उसको प्लेन कर लेते हैं, प्लेनर भी बोलते हैं। कितने का ये? ये इसकी कीमत जो है 35,000 रुपये है। 35,000। अच्छा, कुछ डिस्काउंट करेंगे, मोहब्बत करेंगे थोड़ी सी? जो चैनल के थ्रू हमसे कॉन्टेक्ट करेंगे ऑनलाइन उनको स्पेशल डिस्काउंट दूंगा, जो अगर यहाँ पे हम 35,000 में सेल करते हैं उनको 33,000-34,000 रुपये में अवेलेबल होगा ऑनलाइन पूरे पाकिस्तान में जाएगा। पूरे पाकिस्तान में पहले ऑलरेडी हम करते हैं, लेकिन जो चैनल के थ्रू करेगा उसको स्पेशल डिस्काउंट करेंगे। चले, अच्छा, इसके अलावा इसके अलावा हमारे पास ये डिग्री कटर्स पड़े हुए हैं, दिखा भी देंगे, ये लकड़ी के काम में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा जी, कैसे काम करता है लकड़ी में, काम में क्या काम करता है जी? लकड़ी के काम में इसके ऊपर लकड़ी और इसमें जो है लकड़ियाँ काटने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं लकड़ी, ये देखें। अच्छा, डिग्री भी हो जाता है, ये डिग्री कटर स्लाइड्स वाला, एक इसमें सादे वाला आता है लेकिन ये डबल स्लाइड्स वाला, ठीक है, डिग्री कटर है, ये लकड़ी के काम में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मेरे पास और भी पड़े हुए हैं, ये भी पड़ा हुआ है कोरियन मॉडल में, ये बेल्ट वाला डिग्री कटर है, ठीक है, ये भी अवेलेबल है, इसकी कीमत 25,000 रुपये है। आगे ज़रा निकाल के दिखाएं, ये क्यों स्पेशल है, लोग इतना इसको क्यों ज़्यादा इतना खरीदते हैं? सर इसमें होता है कि जब कटाई करते हैं ना उसमें, तो जो छोटे डिग्री कटर होते हैं ना उससे कलम वगैरह काटनी और टेपर करना हो ना उससे नहीं होता। इसमें मल्टीपल ऑप्शन होती है, एक तो स्लाइड्स होती हैं, ये आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। ओके। उसके अलावा ये होता है कि इसको साइड पे कर्व भी हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा इसकी ये जो होती है ना बेस बड़ी होती है, सो उसमें कलम काटनी हो साइड पे करके वो आसानी होती है। जितने भी फर्नीचर वगैरह बनाते हैं वो ये लोग इस्तेमाल। कितने की है ये जो है बेल्ट वाला है? ये 25,000 रुपये में अवेलेबल। 25,000 में। अच्छा, इसके अलावा? इसके अलावा इसमें स्लाइड्स के बगैर भी मेरे पास पड़ा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ये कि स्लाइड्स नहीं होती, मतलब शाख नहीं होते, शाखों के बगैर है ये, ठीक है। इसकी कीमत थोड़ी कम होती है, तो ये 20,000 रुपये में अवेलेबल है। ये 20,000? हाँ जी। ये भी एक मेरे पास पड़ा हुआ है, ये भी शाखों वाला है, ठीक है। अच्छा, इसमें आगे ज़रा दिखाएं ज़रा जी, ये भी आपको चला ये स्लाइड्स वगैरह इसकी चेक करवा रहा हूँ फंक्शन वगैरह जी। ये देखें इसको डिग्री भी हर चीज़ एवरी फंक्शन जो है ओके है, ठीक है। ये देखें स्लाइड्स भी आगे पीछे करके दिखा देता हूँ। लकड़ी वगैरह सेंकड़ों में काट देती है ये लकड़ी? हाँ जी, मिनटों स्किंटों में जो होता है काम हो जाता है, ठीक है। डिग्री भी होती है, सारा कुछ होता है, ऊपर नीचे भी होता है, ये साइड को टर्न भी हो जाता है। बड़ी मज़े की चीज़ है वैसे ये, है बिल्कुल ऐसा ही है सर, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, कोरिया की इंपोर्ट है, बिल्कुल नया फ्रेश पीस है, डब्बा पैक पीस है। सिर्फ इसका डब्बा नहीं होता, वरना ये तो 60-70 हज़ार रुपये में मिले कस्टमर्स को। आपके पास कितने की है ये? सिर्फ 25,000 रुपये में अवेलेबल है। 25,000 में? बिल्कुल ब्रांडेड डब्बा पैक। साइज वगैरह इसका क्या है? 10 इंच तक इसको ब्लेड लग सकता है, ठीक है। 10 इंच का कटर है, वो भी 10 इंच का, ये सारे जो मेरे पास पड़े हुए हैं 10 इंच के पड़े हुए हैं, ठीक है। एक मेरे पास बिल्कुल न्यू पीस भी है लाट में जी, ये भी मैं कस्टमर को दिखाना चाहूँगा जी। दिखाइए ज़रूर, ये भी कोरिया से इम्पोर्ट है, बिल्कुल न्यू फ्रेश डब्बा बैग पीस है।
ये मीरपुर आज़ाद कश्मीर का एक कस्टमर है, उसने मुझसे ये परचेज कर लिया, सेल हो गया 30,000 रुपये का उसको मैंने सेल किया। अच्छा, आज मैंने उसको बिल्टी करवा ली। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और आपके पास क्या पड़ा जी? इसके अलावा सर मेरे पास जो है हिल्टी ड्रिल मशीन पड़ी हुई है, जो कि इलेक्ट्रिशियंस वगैरह हैं वो ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। वो दीवार में सुराख करना हो, लेंटर वगैरह में सुराख करना हो, मुख्तलिफ फंक्शन से जो है इसमें से इस्तेमाल होता है। इसमें मेरे पास बोतल हिल्टी भी पड़ी हुई है बड़े लेवल पर, जो बहुत ज़्यादा लेंटर वगैरह में दीवार के आर पार सुराख करना, वो बड़ी हिल्टी भी इस्तेमाल होती है। इसमें मेरे पास बुश कंपनी की, DCA कंपनी की, स्किल कंपनी की, हिल्टी कंपनी की, डिवाल्ट कंपनी की, स्किल कंपनी की, काफ़ी कंपनीज की जो है मेरे पास पड़ी हुई है, मकीटा कंपनी की, AG कंपनी की। ठीक है, सारी कंपनीज की। अच्छा, इसके अलावा आपके पास कोई ये क्या चीज़ें पड़ी है? सर ये जरी कटर होता है। ठीक है। ये जो है दीवार में मार्बल कटिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग वुड के तौर पर, 4 इंच का इसको ब्लेड लगता है। ठीक है। इसके अलावा ये मिक्सर मशीन है, केमिकल वगैरह मिक्स करना हो, कोई भी चीज़ मिक्स करनी हो, ठीक है, कैचे वगैरह मिक्स करनी हो, ये लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा ये रंधा मशीन है। ठीक है, वो बड़ा रंधा जो आपको दिखाया था, ये उसमें छोटे साइज में हाथ से करने के लिए। ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा ये मेरे पास छपक्के वगैरह पड़े हुए हैं वुड के काम में, ये भी इस्तेमाल होते हैं। ये देखें आगे ब्लेड भी लगा हुआ है, ये जो डबल पार्ट्स वाले हैं, सिल्वर हेड वाले, गियर वाले इन्हें बोलते हैं। ये बुश कंपनी का है, ये रूबी कंपनी का है। ठीक है। इसके अलावा ये मकीटा कंपनी का पड़ा हुआ है, वो आगे बुश कंपनी के पड़े हुए हैं। अच्छा जी, इसके अलावा बड़े साइज में भी आपके पास अवेलेबल है? जी सर, बिल्कुल बड़े साइज में। ये बड़ी ग्राइंडर्स हैं, जो पहले दिखाई थी 4 इंच 5 इंच की, ये 7 इंच 9 इंच की ग्राइंडर्स पड़ी हुई हैं। ओके। ये मकीटा कंपनी की जापानी ग्राइंडर है सर, ये केयांग कंपनी की कोरिया की ग्राइंडर है सिल्वर पार्टी में, ये डिवाल्ट कंपनी की जर्मनी की ग्राइंडर है सर, ये 7 इंच 9 इंच क्वालिटी में ये हमारे पास अवेलेबल है सर। अच्छा। इसके अलावा सर ये पॉलिशर्स पड़े हुए हैं, जो मतलब रेगमार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, मकीटा कंपनी के जापानी पॉलिशर है सर, 1, 2 या 3, 4 पीस पड़े हुए हैं जो मेरे सामने लगे हुए हैं। इसके अलावा ये हैमर है, मीडियम हैमर है, इसको फर्श वगैरह तोड़ने के तौर पर काम करते हैं, फर्श तोड़ना, दीवार में खुडे लगाने हो, मतलब इस तरह के काम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ओके। इसके अलावा ये जो ड्रिल्स पड़ी हुई है, ये गियर वाली ड्रिल्स हैं बोलते हैं, मतलब कि ये लकड़ी लोहे का हैवी काम जहाँ पर आ जाता है ना, जहाँ मतलब छोटी ड्रिल्स काम नहीं करती, वहाँ पर ये सारी ड्रिल्स इस्तेमाल होती है। सिल्वर पार्टी में गियर वाली होती हैं, जिसमें मल्टीपल गियर होते हैं, डबल फंक्शन होता है, हैमर ड्रिल दोनों। किस बजट में जी ये? ये वाली जो है ना तकरीबन 4,500-5,000 रुपये में अवेलेबल है। ठीक है। इसके अलावा गोटी मशीन भी मेरे पास पड़ी हुई है, और ये मकीटा कंपनी का जो है रूटर भी मेरे पास बड़े साइज में भी पड़ा हुआ है। ओके। अच्छा, इसके अलावा आगे बढ़े फिर हम लोग चले सर, हम लोग नाजे आपको वेल्डिंग प्लांट्स दिखाते हैं। इसके अलावा जो मतलब वेल्डिंग का काम करते हैं लोग, उसके लिए हमने वेल्डिंग प्लांट्स भी रखे हुए हैं। ये न्यू डब्बा पैक है चाइना के। ठीक है, चाइना की इंपोर्ट है। इसमें सबसे छोटे साइज में मेरे पास पड़ा हुआ 250 एम्पेयर मिनी में। ठीक है। फोगो कंपनी का, इसके अलावा सनरिक्स कंपनी का 350 एम्पेयर में पड़ा हुआ है, 10 नंबर 12 नंबर 8 चलाने के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये 250 एम्पेयर में है, बड़ी बाडी में पड़ा हुआ है मेरे पास। इसके अलावा 280 एम्पेयर का ये पड़ा हुआ है फोगो कंपनी का। आजकल जैसे लाइट्स का मसला पड़ रहा है, 110 एम्पेयर से लेकर 560 वोल्ट तक जो है ना ये काम करता है, काम सोलर पे भी चल जाते हैं, सोलर पे भी ये चल जाएगा ये वाला प्लांट जो है। अच्छा, ये वेल्डिंग प्लांट सोलर पे भी चलते हैं, आप खुद हैरान होंगे, 110 वोल्ट तक ये चल सकते हैं। ओके। अच्छा, इसके अलावा ये साथ में पड़े हुए 300 एम्पेयर का, ये 10 नंबर 12 नंबर 8 चलाने के लिए। इसके अलावा अगर कोई 8 नंबर 8 मोटर 8 चलाना चाहता है तो मेरे पास वो भी अवेलेबल है। ठीक है। 300D मॉडल है रिक्स कंपनी का। इसके अलावा ये बाकी भी पड़ा हुआ, और लास्ट में वो एक सरिया कटर भी पड़ा हुआ मेरे पास। इसकी प्राइस रेंज क्या क्या है? ये 9,000 से लेके 25,000-22,000-23,000 तक अवेलेबल है। ठीक है। और ये लास्ट में जो है ये सरिया कटर पड़ा हुआ है, जो लोग सरिया काटने का काम करते हैं, ये भी मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है। ठीक, ये 1 इंच तक जो है सरिया काट सकता है। ओके। एक इलेक्ट्रिक है, ये सरिया बिजली के तौर पर इसमें। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई विजिट करना चाह रहा है तो आपका एड्रेस क्या है प्रॉपर? सर एड्रेस जो है मेन सलामतपुरा ओरेंज लाइन ट्रेन स्टेशन, GT रोड, नियर शमा पार्क रोड, लाहौर। आप जो खड़े हैं ये सलामतपुरा स्टेशन के बिल्कुल पास खड़े हैं, GT रोड पे, शमा पार्क रोड के बिल्कुल साथ खड़े हैं। नंबर क्या है जी आपका? मेरा नंबर है 03-23-86-17-439। चलें अब हम लोग, आप जो भी मेरा भाई आपसे खरीदे उनको आपने डिस्काउंट भी देना, चीज़ें अच्छी भेजनी है इंशाल्लाह सर। हम सब पहले भी ऑलरेडी कस्टमर को जो भेजते हैं, लेकिन जो चैनल का रब्ता करेगा उन्हें ए पे अच्छी क्वालिटी में भेजेंगे। ठीक है। और स्पेशल डिस्काउंट करके भेजेंगे। चले नाज़रीन, अभी मैं मौजूद था कंटेनर मार्केट में, आपको रेट्स मैंने आपके साथ शेयर किए कि यहाँ के क्या रेट्स चल रहे हैं, उसकी क्या क्वालिटी में क्या डिफरेंस है, आप उनके साथ रब्ता करके ख़रीद सकते हैं। मुझे दीजिए लाहौर से इजाज़त, हमारी वेबसाइट airpakistanofficial.com का विज़िट करें। अल्लाह हाफ़िज़।